शहर के बीच में विवेकानंद वार्ड के लोग पीने के साफ पानी से ना मिलने से लगातार परेशान हो रहे हैं। और आखिरकार आपको बता दें, यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम में ये कैसा विकास हो रहा है जहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित वार्ड वासियों के पास भवानी निगम आयुक्त के पास पहुंचे और साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों की समस्या को दूर करने की मांग की। मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैन पार्टी के संयुक्त महासचिव नरेंद्र भवानी वार्ड वासियों के साथ जगदलपुर नगर आयुक्त के पास पहुंची और कहा कि यहाँ पर जो है विवेकानंद वार्ड जो बना है एयरपोर्ट के पास वाला मोहल्ला है, जहाँ पर लगभग 200 घर के जो है यहाँ पर हैं और वहाँ पर उन लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं आधे से भी ज्यादा लोग उस मोहल्ले में यहाँ पर स्थिति शौचालय के अंदर से पानी भरकर अपना दैनिक जीवन में इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की गई है। और जब मैं भ्रमण में इन वार्ड पे गया, आप मानिए कि वहाँ के लोग का पानी के कारण स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, बाल तक झड़ रहे हैं। और आज कुछ ही वार्ड वासियों के साथ मैं जगदलपुर नगर निगम आयुक्त के पास गया था ये समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद में यह बोर खोदने का हमको आश्वासन दिए हैं। तब तक का पानी टैंकर से पानी का जो समस्या है उसको पूरा करेंगे बोले हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर 7-8 दिन के अंदर एक काम में अगर शुरुआत नहीं करते ये लोग या समस्या हल करने का निवारण नहीं करते तो पूरे वार्ड वासियों के साथ गंदे पानी का सैंपल लेके नाली का पानी को पैक करके नगर निगम में भेंट कर किया जाएगा नगर निगम।